पनवेल कर्जत रेल लाइन प्रोजेक्ट, जिसमें पनवेल से कर्जत तक एक नई रेलवे लाइन को ओपन किया जाएगा, जहां अभी सिर्फ एक ही लाइन अवेलेबल है, जिसके चलते इस रूट पे या तो मालगाड़ी या फिर सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्रेस ट्रेन को ही चलाया जाता है। और आज की डेट पे अगर किसी को कर्जत से CSMT जानी हो तो काफी घूम के नेरल, कल्याण, थाने होकर ही जाना पड़ता है, जिसमें काफी समय लग जाते हैं। इस प्रोजेक्ट के चलते इस रूट पे लोकल ट्रेन भी चलने लगेगा, जिसके चलते कर्जत से आप आसानी से पनवेल होकर CSMT तक जा पाएंगे। तो हमने इस प्रोजेक्ट का लास्ट अपडेट देखा था मई 2023 में, लगभग 6 महीने पहले। देखते हैं इस 6 महीने में कितना काम हुआ है। तो इस बार प्रोग्रेस देखेंगे कर्जत साइड से और आगे बढ़ेंगे पनवेल की तरफ। यह है कर्जत स्टेशन, जहां से इस नई रेलवे लाइन की शुरुआत होती है। जब यह नई लाइन शुरू हो जाएगी तब एक्सिस्टिंग लाइन से ट्रेन सिर्फ पनवेल की तरफ जाएगी और नई लाइन से कर्जत की तरफ आएंगी। अगर प्रोग्रेस देखें तो आपको बस इनिशियल अर्थवर्क का ही काम होते हुए दिखेगा, जहां जो बॉक्स कल्वर्ट्स है उसका निर्माण अभी हो रहा है। फिर क्योंकि ये नई लाइन एग्जिस्टिंग लाइन के ऊपर से आने वाली है, तो उसके लिए एक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जहां पे आपको मल्टीपल एक्टिविटीज चलते दिखेगा। कहीं पे पाइलिंग चालू है, तो कहीं पे पियर कैप, तो कहीं पे गर्डर इरेक्शन, और ये ब्रिज लगभग 1.2 किलोमीटर लंबी है। फिर यहाँ पे एक टनल का निर्माण हो रहा है, जहां इस साइड से टनल अभी तक ओपन नहीं हुआ, लेकिन दूसरी साइड देखे तो टनल के अंदर बोरिंग का काम अभी चल रहा है और ये टनल लगभग 300 मीटर लंबी है। फिर आता है और एक दूसरा टनल, और ये टनल इस प्रोजेक्ट की सबसे लंबी टनल भी है, जो लगभग 2.6 किलोमीटर लंबी है, और ये टनल दोनों ही एंड से थ्रू हो चुका है। यह है टनल की पनवेल साइड, जहां आपको टनल थ्रू होते हुए दिख जाएगा। अब आगे बढ़ने पे आपको ज्यादातर जगह पे अर्थवर्क का ही काम चलते हुए दिखेगा। और जब मैं अर्थवर्क कहता हूं तो मतलब कहीं पे मिट्टी फीलिंग का काम चल रहा है, तो कहीं पर मिट्टी काटने का। और ये है वो पॉइंट जहां से नई और पुरानी दोनों लाइन डिवाइड हो जाती है। पूरे लाइन पे आपको ऐसे काफी सारे पब्लिक ओवरपासेस देखने को मिलेगा, जिसका काम अभी चल रहा है, और साथ ही साथ बहुत सारे बॉक्स कल्वर्ट्स और माइनर ब्रिजेस भी आते हैं, जिसमें से कुछ बन चुका है और कुछ का काम अभी चालू है। यह है चौक स्टेशन, और इस प्रोजेक्ट के चलते इन स्टेशंस को भी रिनोवेट किया जाएगा, और इस नई लाइन पे पनवेल से कर्जत के बीच में टोटल 3 स्टेशन आते हैं, वो है चौक, मोहपे और चेकले। फिर आगे बढ़ते जाए तो आपको बस अर्थवर्क और मल्टीपल स्ट्रक्चर्स का काम चलते हुए दिखेगा। फिर लोधीवली गांव के पास बन रहा है इस प्रोजेक्ट का थर्ड और आखिरी टनल, जो लगभग 220 मीटर लंबी है, और ये टनल भी दोनों एंड से थ्रू हो चुका है। यह है मोपे स्टेशन। एक्चुअली कोई भी स्टेशन पे अभी अपग्रेडेशन का काम चालू नहीं हुआ है, मे बी फ्यूचर में वो हो सकता है। ये जो बीच में आप देख रहे हैं, एक्चुअली दोनों लाइन के बीच में रेन वाटर को ड्रेन करने के लिए एक ड्रेन का निर्माण किया जा रहा है।
फिर यहाँ पे रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के ऊपर से, जहाँ एक स्टील ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। आखिरी बार हमने देखा था स्टील स्ट्रस सेक्शन का निर्माण हो रहा था, जिसका अभी इरेक्शन हो चुका है। यहाँ पे टोटल ऐसे 4 सेक्शन का इरेक्शन होगा, जहाँ बाकी 3 का निर्माण अभी चालू है। फिर यह है चिखली स्टेशन और इसके आगे आखिर में आता है पनवेल जंक्शन। पनवेल के पास जहाँ पे अभी काफ़ी काम बाकी है और यहाँ पे एक ब्रिज का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते एग्जिस्टिंग लाइन के ऊपर से ट्रेन जाएगी पनवेल स्टेशन में। और इसी के चलते अभी पनवेल स्टेशन का रिस्ट्रक्चर करने का काम अभी चालू है। तो ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करें तो लास्ट 6 महीने में बहुत ज्यादा कुछ काम होते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि 6 महीने पहले भी यहाँ का नजारा कुछ ऐसा ही था, लेकिन स्ट्रक्चर्स के काम को देखें तो कुछ हद तक काम जरूर हुआ है। बाकी आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।